गाय माता के नाम पर राजनीति शुरू ना हो, ऐसा भला कैसा हो, कैसे हो सकता है। लगातार देखा है, जब जब गाय का नाम आया है तब तब राजनीति चरम पर पहुंच गई है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में गाय का नाम लिया और ये तक कह दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें गाय का नाम सुनते ही उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय की सेवा आजकल राजनीति से भी जोड़ी जा रही है और असल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से सेवा करते नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई गाय की पूजा करने वाले लोगों को गाली दी जा रही है, क्या क्या वाकई उन्हें घेरा जा रहा है, और क्या ऐसे लोग हैं जिनके बाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ हैं एक गौ भक्त जो लगातार कई सालों से गाय की सेवा कर रहे हैं, विजयकांत चौहान जी, उनसे बातचीत करते हैं। विजयकांत जी, क्या कहेंगे, क्या वाकई गाय का नाम सुनते ही कुछ लोगों के बाल खड़े हो रहे हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, अनादिकाल से ये परंपरा रही है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो धर्म विरुद्ध कार्य हमेशा करते रहे हैं। जो भी अच्छा कार्य करते हैं, धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, उनके धार्मिक कार्य में, उनके यज्ञ में वो विघ्न डालने का हमेशा से प्रयास करते रहे। आज भी वर्तमान में यही हो रहा है। हम लोग गावो रक्षति रक्षते, जो व्यक्ति गाय की रक्षा करता है गाय उसकी रक्षा करता है। गावो विश्वस्य मातर है, गाय पूरे विश्व की माता है। और इस धरती पर जब तक गौ माता सुरक्षित है, भय मुक्त है, रोग मुक्त है, तब तक ही शांति संभव है। शांति के बिना इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश देगी। केवल गाय माता ही पूरी दुनिया को शांति का संदेश देती है, भाईचारे का संदेश देती है। प्रधानमंत्री ने पहली बार इतना खुलकर बोला जब उन्होंने कहा कि ओम और गाय का नाम सुनते ही तो कुछ लोग फड़क उठते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, क्या वाकई अब असली में सेवा होगी? क्योंकि अब तक सिर्फ बातें हुई हैं, राजनीति हुई है, सेवा दूर रही है। ये एक नैसर्गिक सत्य है, गाय पूरी विश्व को शांति का संदेश देने वाली ऐतिहासिक गौ माता है, पूरे ब्रह्मांड की नायक है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद इस गौ माता के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर जिन 33 कोटि देवताओं का गौ माता में वास है। भला वो किसी का अहित कैसे कर सकती है? लेकिन जितने भी भारत के अंदर वर्तमान ऐसे दुष्ट लोग हैं वो शुरू से ही गौ माता का विरोध करते रहे हैं, और गौ सेवक जो असली गौ रक्षक हैं उनको हमेशा। वैसी ने तो निशाना साध दिया कि प्रधानमंत्री को गायें दिखाई देती है, आदमी दिखाई नहीं देते क्या? ओवैसी एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ओम और गौ एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लॉजिक से भरे हुए हैं। पूरी दुनिया और विज्ञान आज मानता है कि गाय से, दूध से बनी हुई चीज़ें आदमी के लिए केवल स्वास्थ्य वर्धक ही नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती हैं। गौमूत्र से हज़ारों तरह की बीमारियां दूर होती हैं, और अमेरिका जैसा देश गौमूत्र को पेटेंट कराने की व्यवस्था में लगा हुआ है, और जापान, ब्रिटेन, अपने मुस्लिम कंट्रियां भी आज गौ माता के दूध को पीने की बात करती हैं, गौमूत्र की से दवाइयाँ बनाने की बात करती हैं। वहीं अपने इंडिया में लोग जो सेकुलरवाद की इस भूत से सवार हैं उनको केवल और केवल एक अच्छे कार्य का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है। मोदी के मुंह से जो भी मंत्र निकलेगा हर उस बात का उन्होंने विरोध करना है। और मैं ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूं जो गौ माताओं का विरोध करते हैं, उनको चेतावनी देता हूं कि जिंदगी को मौत की सौगात बना रहा हूं, इन गौ हत्यारों की, इन गौ विरोधियों की मौत का सामान जुटा रहा हूं। इन गौ हत्यारों से, इन गौ विरोधियों से डर कर जीना महादुष्कर्म है। इन गौ हत्यारों का, इन गौ विरोधियों का वध करना हम हिंदुस्तानियों का परम धर्म है, परम धर्म है। अगर चाहिए दुनिया में शांति तो सब लोगों को मिलकर करनी होगी गौ माता के लिए क्रांति। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत। वाकई गौ क्रांति के लिए लोगों को साथ आना पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि वाकई क्या राजनीति से हटकर लोग बाल खड़े हो रहे हैं क्या? बाल खड़े हो गए हैं, देख लीजिए ये करंट आना शुरू हो गया। जो भी गौ माता का विरोध करते हैं ऐसे लोगों का नाम सुनते ही पूरे जिस्म में खून की तरंगे दौड़ने लगती हैं, और उनके उनकी आंखों को नोचने का मन करता है। जो साले केवल अपनी दुष्ट राजनीति के लिए, सेकुलरता का झंडा गाड़ने के लिए भारत सरकार का विरोध करते हैं, हिंदुस्तान के हर उस पूजा स्थल का, हिंदुस्तान के हर उस पूजनीय स्थल का विरोध करते हैं, पूजनीय चीज़ का विरोध करते हैं, मैं ऐसे देशद्रोहियों को बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि वो सुधर जाएं। गौ माता के नाम पर अब अत्याचार, गौ माता के नाम पर अब दुष्प्रचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज जाग चुका है, हिंदू समाज पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। हम मंदिरों में एंट्री करते केवल ये बोलते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, और पूरे विश्व का कल्याण हो, केवल हम कहते हैं, दुनिया का कोई भी धर्म नहीं कहता। लेकिन वाकई देखना होगा कि वाकई क्या गाय की सेवा अब असल में होने भी लगेगी या सिर्फ बयानबाजी इसी तरीके से चलती रहेगी। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान।